फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम यानी कि अभी यानी कि लगातार जो चल रहा है तो प्रकाश चैप्टर ही चल रहा है। और ध्यान दीजिए कि ये हम भी गलती करते थे कि ये चैप्टर का नाम नहीं लिखते थे, लेकिन हम बार बार ध्यान देते थे कि चैप्टर का नाम हम रोज बताते हैं, यानी कि स्टार्ट करने के पहले हम चैप्टर का नाम अवश्य बताते थे, लेकिन ये गलती था कि चैप्टर का नाम नहीं लिखते थे। लेकिन अच्छी बात है, सजेशन हम आपको बताते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप हमको सजेस्ट करें कि और कैसे कर सकते हैं। तो हम आज लिख दिए कि प्रकाश चैप्टर है और चौथा पार्ट, यानी कि प्रकाश में आज का चौथा पार्ट चल रहा है। यानी कि पार्ट क्या कर सकते हैं, मेरा एक बोर्ड में जितना अटता है बस एक पार्ट बन जाता है। यानी कि एक बोर्ड में मेरा जितना इम्पोर्टेंट चीज अटता है बस एक पार्ट हो जाता है, इतने ध्यान रखना। तो चलिए आज प्रकाश का कह सकते हैं चौथा पार्ट। तो ध्यान दीजिए, हम बता रहे थे जो कि कहां किस पर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है कहां छोटा कहां आभासी उल्टा, तो उस चीज को आज हम लेकर आए थे जो आपको बता रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें ज्यादातर क्या, ये सब चीजें टेंथ की चीज है, यानी कि ये सब चीज टेंथ में पढ़ाया जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। सिर्फ बात कर रहे हैं हम अवतल दर्पण की, ध्यान देना है, सिर्फ बात कर रहे हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहला चीज लिखा गया है वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा है वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार। पहला क्या है, वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कहाँ। फिर है वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार, यानी कि वस्तु कितना बड़ा है और उससे कितना बड़ा या छोटा बनता है प्रतिबिंब। फिर चलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगी, सीधा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहला चीज आज का वस्तु की स्थिति क्या है, फर्स्ट चीज में वस्तु की स्थिति क्या है, पहला है अनंत पर, यानी कि वस्तु कहाँ है, पहला अनंत पर। तो प्रतिबिंब क्या बनेगी, प्रतिबिंब फोकस पर जाके बनेगा, यानी कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ध्यान देना, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु अगर यानी कि मान ले तो इतना बड़ा है तो बहुत छोटा का मतलब इतना सा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब होगा बहुत छोटा। ध्यान देना, पहला क्या है, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। अनंत पर वस्तु की स्थिति तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के आकार क्या होगी, बहुत छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टा और वास्तविक, उल्टा व वास्तविक, यानी कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी क्या होगी, उल्टा होगी और वास्तविक बनेगी। फिर चलते हैं दूसरा वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। वस्तु की स्थिति, वस्तु रखा कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। और यानी कि इसकी वस्तु की आकार क्या होगा, प्रतिबिंब में वस्तु का आकार होगा छोटा, ध्यान देना छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा, सिर्फ छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वही उल्टा व वास्तविक, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वही होगा उल्टा और वास्तविक। फिर है वक्रता केंद्र पर, तीसरा नंबर क्या है, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर, यानी कि सेम होगा। अगर हम वस्तु की स्थिति क्या है, तो वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखिए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। और वस्तु का आकार सामान्यतः सोच सकते हैं तो क्या होगा, समान आकार का होगा, क्योंकि वस्तु का स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब भी बन रहा है वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का आकार भी सोच सकते हैं कि समान ही होगा, सेम ही होगा, यानी कि समान आकार का होगा। जितनी बड़े वस्तु होगी उतनी बड़े आकार का ही ये यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। फिर चलते हैं इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा उल्टा व वास्तविक, क्या होगा, इसका भी उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। फिर चलते हैं चौथा जो है फोकस तथा वक्रता, यानी कि वस्तु की जो स्थिति होगी फोकस पर और वक्रता केंद्र पर, तो इसके प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, क्या है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगी, तो इसका वस्तु का आकार प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, सिर्फ बड़ा बनेगा, क्या है, बड़ा, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा।
फिर चलता है प्रतिबिंब की प्रकृति। इसका भी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टा व वास्तविक, क्या होगा उल्टा और वास्तविक होगा। चौथा समाप्त होने के बाद पांचवा नंबर पर चलते हैं। पांचवा नंबर पर वस्तु की स्थिति क्या है, तो पांचवा है वस्तु की स्थिति फोकस पर। क्या है फोकस पर, तो क्या बनेगी प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, यानी कि फर्स्ट का जस्ट अपोजिट। फर्स्ट में क्या था, वस्तु की स्थिति थी अनंत पर, तो बनता था प्रतिबिंब फोकस पर। अगर वस्तु को रख दें फोकस पर तो प्रतिबिंब क्या बनेगी, अनंत पर बनेगी, यानी कि जस्ट उल्टा होता दोनों। अगर फोकस पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगी अनंत पर, अगर अनंत पर रखी हो तो बनेगी फोकस पर। तो चलिए उसके बाद आते हैं वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु की तुलना में जो है आकार जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, क्या प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक, क्या बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा। फिर चलते हैं अंतिम छठा। अंतिम छठा क्या है, फोकस तथा ध्रुव के बीच, यानी कि फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, क्या होगी दर्पण के पीछे। और इसका जो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार जो होगा बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर चलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति जो है सीधा बनेगा, सिर्फ इसी में, यानी कि कह सकते हैं अगर वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, सीधा आभासी। सिर्फ एक ही चीज जो है, यानी कि फोकस तथा ध्रुव के बीच ही रखने पर वस्तु की, अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा आभासी बनेगी, सिर्फ इसी में, यानी कि फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु तब जाके प्रतिबिंब की जो प्रकृति बनेगी सीधा व आभासी बनेगी। यानी कि यहाँ तक वह सारा क्या था, उल्टा व वास्तविक, लेकिन एक यानी कि सिंगल पीस एक चीज फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी सीधा व आभासी होगी। तो ये जो छह चीज था, ये छह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये छह चीज में लगा वो छोटा कभी पूछ देगा ये सिर्फ, अगर पूछ देगा वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की स्थिति क्या है, अगर रखी हो वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सिर्फ यही अगर पूछ देता तो क्या कहते हैं फोकस पर बनेगी। तो ध्यान देना, लग रहा बहुत छोटा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या होगा इतनी छह चीजों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछ दे कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, सिर्फ यही चीज पूछा हो तो बहुत छोटा बनेगा। आप पूछ दे प्रतिबिंब की प्रकृति तो उल्टा व वास्तविक, देखिए एक लाइन में कितना बनता है, 1 2 3 4 चार क्वेश्चन बनता है, तो सोच सकते हैं छोटा सा दिखने में है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। फिर चलते हैं क्रांति कोण। ये समाप्त करने के बाद आता है क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। देखिए क्रांति कोण क्या होता है, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि क्रांति कोण क्या होता है, क्रांति कोण सघन माध्यम में, एक होता है दो माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम, तो ध्यान देना सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो, इसी को कहते हैं हम क्रांति कोण। फिर चलते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्तें हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दो शर्त कौन कौन सा है, तो पहला है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि पहला शर्त हो गया। दूसरा क्या है, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है, यानी कि क्या होता है बड़ा होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त कौन कौन सा होगा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। तो ध्यान देना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज है हम बताएंगे अगले क्लास में, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज है यानी कि किसको कहते हैं, ये चीज मेरा होगा अगले क्लास में, ध्यान देना है। सिर्फ आज हम बता रहे हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त कौन कौन सा ये चीज बताएं, लेकिन ये क्या चीज है यानी कि इसको एक डिफिनेशन के तौर पर बोलें तो ये चीज हम कल आपको बताएंगे। यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त कौन कौन सा, प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, और दूसरा है आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होता है बड़ा होता है। फिर चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल कुछ उदाहरण है पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के उदाहरण, यहाँ ध्यान देना है पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त था, यहाँ चलते हैं उदाहरण पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो पहला है हीरा का चमकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन सर, हीरा का चमकना। हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन सर, ध्यान देना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला एग्जाम्पल क्या है, हीरा का चमकना, यानी कि हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा है रेगिस्तान में मृच्छिका, क्या है, रेगिस्तान में मृच्छिका, यानी कि ये जो होता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो मृच्छिका को बता देते हैं क्या चीज होता है, अगर कोई रेगिस्तान में, मतलब क्या कह सकते हैं कि बालू ही होता है, यानी कि ज्यादातर दूर दूर तक आपको बालू ही नजर आता है, और अगर आप देखेंगे तो दूर से आपको लगेगा कि बगल में यहाँ पानी है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे नजदीक जाते हैं तो पानी वहां नहीं मिलता, ये जो घटना होती है किसके कारण, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर तीसरा जल में पड़ी परखन नली का चमकना, ये भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और चौथा है कांच में आई दरार का चमकना, यानी कि कोई कांच अगर टूट जाता है तो उसका जो ये नुकीला चीज होता है वो जो चमकता है, जो किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। तो ध्यान देना ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बता दिए, और ये सारा चीज ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो ध्यान देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम यानी कि डेफिनेशन हम कल बताएंगे, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में।